बात चली जिंदगी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में, जिंदगी के दर्द के बारे में। क्या जिंदगी के गमों को अवॉइड किया जा सकता है? क्या उस दर्द की स्टिंग से खुद को बचाया जा सकता है? आपने बड़े अच्छे से एक पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग बनाई, उसकी इंटरप्रिटेशन कोई और ही निकल आई, जो आपके जहन में थी वो नहीं, तो कोई और चीज छू गई कहीं। तो ये फाइन आर्ट्स में ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और ये जो प्री कॉन्सेप्ट में या प्री उसमें नहीं हो, पहले से सोचा जो आता, तो वही तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड व्हाई फाइन आर्ट्स कम टू थिंक ऑफ इट, दैट्स द एंटायर फन ऑफ लाइफ। ये जो अनसर्टेनिटीज है, अनडिफाइंड मोमेंट्स हैं, सिचुएशन है, जिंदगी की खूबसूरती भी उसी में है। अगर इतनी प्रेडिक्टेबल होती जिंदगी तो बड़ी बेमजा होती, बड़ी बोरिंग होती। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही तो है जो खूबसूरत, जो आपको नहीं पता अगला दिन कैसे निकलेगा, अगले दिन क्या होने वाला है, और आपने जितने प्लान बनाए उसके अलावा कुछ और हो गया। समटाइम्स इट्स वेरी हैप्पी, वेरी इंजॉयबल, एक्सटेटिक टोटल, समटाइम्स इट्स सैड ऑल्सो, वो भी होता है। But that unpredictability is the beauty. It's the beauty of life and it's the beauty of catching those moments is the beauty of fine arts.